हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अक्षय सर। तो बेटा, हमने कल जो पढ़ा था वो पढ़ा था तुल्यांकी भार की गणना करना, कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस, किसी पदार्थ के तुल्यांकी भार की गणना करना हमने कल सीखा। वो मैंने आपको इसलिए पढ़ाया क्योंकि बेटा, जब हम नॉर्मलता यानी नॉर्मेलिटी पढ़ते हैं तो उसकी ज़रूरत पड़ती है। अब मैं बात करता हूँ आपसे सिंपल सी। मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था, होमोजेनियस मिक्सचर। समांगी मिश्रण, तो ये आप लोगों को पता होगा क्या होता है। ऐसे मिक्सचर जिनमें जो मिक्सचर होता है हर जगह से कैसा होता है, सेम, समान, कतई समान होता है, वो क्या होते हैं, समांगी मिश्रण। तो आज मैं तुम्हें एक चीज़ पढ़ाने वाला हूँ, सॉल्यूशन, विलयन। तो सॉल्यूशन या विलयन जो होता है वो क्या होता है, वो होता है बेटा, जैसे मान लीजिए एक बाउल के अंदर पानी ले लिया और उसमें हमने चीनी को डाल दिया। तो पानी में जब तक चीनी डाला है तब तक ये सॉल्यूशन नहीं है, पर चीनी को अगर हमने घोल दिया तो हम यहाँ से भी उतना ही मीठा पाएंगे, यहाँ से भी उतना ही मीठा पाएंगे, यहाँ से भी उतना ही मीठा पाएंगे। तो सब जगह बराबर होगा इनका मीठापन, या फिर सब जगह इनके जो अंग होंगे वो समान होंगे, हर जगह ये कैसे होंगे, सेम कंपोजिशन में। तो इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं सॉल्यूशंस को, द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। दो या दो से ज़्यादा पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। दो या दो से अधिक पदार्थों का मिश्रण, ना जी सिर्फ मिश्रण नहीं बोलना है, समांगी मिश्रण क्या कहलाता है, विलयन कहलाता है। विलयन कहलाता है, यही है। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है बेटा, विलयन कहलाता है। अब विलयन जो है बेटा, दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। सॉल्यूशन इज मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट्स, दो घटकों से मिलकर बना होता है। सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं हिंदी में, विलयन। वो दो घटक कौन कौन से होते हैं, एक होता है बेटा सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट, विलय और विलायक। कुछ समझदार लोग ये बोल देते हैं कि सॉल्वेंट जो होता है वो हमेशा ज़्यादा मात्रा में होता है। बेटा हमेशा नहीं होता, अधिकतर ऐसा होता है कि जो ज़्यादा मात्रा में है यानी जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा है वो सॉल्वेंट होता है और जिसकी क्वांटिटी कम है वो सॉल्यूट होती है। तो पहले तुम्हें सॉल्यूट और सॉल्वेंट समझना होगा, वो है क्या। सॉल्यूट वो चीज़ है जिसे घोला जाता है, सिंपली जिसे घोला जाता है वो होता है सॉल्यूट, और सॉल्वेंट वो होता है जिसमें घोला जाता है, जिसमें घोला जाता है वो होता है सॉल्वेंट। तो कुछ सॉल्वेंट ऐसे होते हैं जो हमेशा सॉल्वेंट रहते हैं, जैसे पानी, एल्कोहल,
बेंजीन, ईथर, ये हमेशा सॉल्वेंट रहेंगे, तो ये हमेशा विलायक रहेंगे। कौन कौन? एल्कोहल, पानी, ईथर, बेंजीन, एसीटोन, अमाइन, ये सब हमेशा क्या रहेंगे? सॉल्वेंट ही रहेंगे। पर अगर मैं अल्कोहल और वाटर को मिलाऊं तो इसमें सॉल्वेंट कौन और सॉल्यूट कौन? दोनों ही सॉल्वेंट हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। बनेगा तो सॉल्यूशन, अल्कोहल प्लस वाटर में, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है और अल्कोहल का 46 डिग्री सेल्सियस। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो होता है हमेशा सॉल्वेंट, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है वो होता है हमेशा सॉल्यूट। तो जो चीज़ घोली जाती है वो होती है सॉल्यूट, और जो चीज़ जिसमें घोली जाती है वो होता है सॉल्वेंट। विलेय वह पदार्थ हैं जो घोला जाए, जबकि विलायक वह पदार्थ है जिसमें घोला जाए। जैसे पानी में नमक मिला दिया तो पानी क्या हो गया? विलायक यानी कि सॉल्वेंट, और नमक क्या हो गया? सॉल्यूट यानी कि विलेय। अब विलयन जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, थ्री टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, थ्री टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। विलयन तीन प्रकार के होते हैं, पहले असंतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। दूसरे संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और तीसरे अति संतृप्त विलयन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो असंतृप्त विलयन यानी कि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जिसमें, देखो बेटा सिंपल सी बात है, किसी सॉल्यूशन में जब तक सॉल्यूट मिलता चला जाएगा, यानी मान लो कोई इंसान है वो भूखा है, वो तब तक ही रोटी खाएगा जब तक वो संतृप्त ना हो जाए, वो तब तक ही रोटी खाएगा जब तक उसका पेट भर ना जाए। वैसे ही कोई भी सॉल्यूशन बनता है तो उसमें सॉल्यूट तब तक ही मिलता है जब तक एक समय के बाद सॉल्यूट मिलना बंद कर देता है। तो जब तक सॉल्यूट मिलता जाएगा सॉल्यूशन इज कॉल्ड अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन, जब तक इसमें सॉल्यूट मिलता जाएगा, सॉल्यूट यानी विलेय घुलता चला जाएगा, तब तक ये कैसा है? अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। और सेचुरेटेड सॉल्यूशन कब होता है? सेचुरेटेड सॉल्यूशन तब होता है जब इसमें सॉल्यूट घुलना बंद कर दे, सॉल्यूट यानी विलेय क्या हो जाए? घुलना बंद कर दे। जैसे पानी में चीनी मिलाओ, मिलाते जाओ मिलाते जाओ मिलाते जाओ, एक समय ऐसा आएगा चीनी घुलना बंद हो जाएगी। तो जैसे चीनी घुलना बंद हो जाएगी तो वो विलयन कैसा हो जाएगा? संतृप्त। और जब तक चीनी घुले चली जा रही थी तब तक विलयन कैसा था? असंतृप्त, अनसेचुरेटेड था। और जब चीनी घुलना बंद हो जाए तो क्या हो जाएगा? सेचुरेटेड। तो लास्ट होता है अति संतृप्त। अति संतृप्त क्या होता है बेटा? जैसे मान लो पानी में चीनी घोलते गए वो संतृप्त हो गया, सेचुरेटेड हो गया। अब हमें और चीनी मिलानी है, तो हमें और चीनी मिलाने के लिए इसमें टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं। क्या करते हैं? किसी फिजिकल क्वांटिटी को चेंज करके, प्रेशर या फिर टेम्परेचर को चेंज करके उसमें सॉल्यूट और मिला दिया जाता है, विलेय और मिला दिया जाता है, जैसे कि चाशनी बनती है, वो क्या होता है? अति संतृप्त होता है, उसमें चीनी और घुलने लगती है।
तो इस तरह के सॉल्यूशन क्या कहलाते हैं? अति संतृप्त विलयन कहलाते हैं। अब बेटा कल हम इसमें पढ़ेंगे सांद्रण पद यानी कंसंट्रेशन टर्म्स, जैसे कि मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी एट्सेट्रा, पार्ट्स पर मिलियन आदि, मतलब ऐसी चीज़ें पढ़ेंगे जो कि आपको 12th में भी बहुत काम आने वाली हैं।